चुके हैं, अब आता है बेटा 12th के ऊपर। एंड इसके पूरे एमसीक्यू अपन एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करने की जितनी मेरे से ताकत है उतना करने की कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को चार्ट स्टार्ट करते हैं आपका जो थर्ड चैप्टर है 12th की बुक का, ठीक है। तो आपको बताया बेटा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ये इकलौता एक तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो इकलौता एक तरीका होता है बेटा टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो आपको पता है अपन जो है एक्सेप्ट फॉर मैमल्स, मैमल्स में अगर आप प्लैटिपस को छोड़ दे तो ऑर्निथोरैंकस उसको अगर आप छोड़ दे बेटा, तो सारे के सारे जो मैमल्स है वो भी क्या होते हैं, विवीपेरस होते हैं। विवीपेरस मतलब डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेटा टू द यंग वन, एंड ओवीपेरस का मतलब होता है एग लेइंग, ठीक है। चलिए तो आपको पता है बेटा कि अपन लोग जो है वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, मतलब विवीपेरस होते हैं। अब आपको पता है इकलौता एक तरीका यही है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का, एंड 9 मंथ की प्रेगनेंसी को कवर करना पड़ता है। एडल्ट्स में अगर आप बात करेंगे तो गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स में फॉर एग्जांपल ये मेल गैमेट है, एंड मेल गैमेट में होता है बेटा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 होने के बाद। तो ये अगर ये 46 क्रोमोजोम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्म कितने का हो जाता है, 23। अगर ये फीमेल है तो फीमेल में भी जो ओवम होता है, ठीक है बेटा, जो प्राइमरी ओसाइट वगैरह होता है वो 46 होता है, लेकिन जब वो सेकेंडरी कन्वर्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, 23। तो मियोसिस की वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, लेकिन जब इन दोनों का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा कि जो जाइगोट है या एम्ब्रियो बनेगा बेटा वो रिस्टोर कर देगा जो क्रोमोसोम नंबर होता है बेटा, ठीक है। तो मियोसिस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर एंड फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इस चैप्टर में अपने को बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कवर करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। गैमेटोजेनेसिस में मतलब जो स्पर्म एंड ओवम बनने की जो प्रक्रिया है, गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, इसको कवर करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको अपन बोलते हैं एमसी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है, कौन से डे पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके कितने दिनों बाद, 7 दिनों बाद इम्प्लांटेशन होगा, किस तरह का क्लीवेज वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे बेटा। प्रेगनेंसी में किस तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से जेस्टेशन पीरियड में फर्स्ट वीक में ये बनता है, फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है, ठीक है। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। पार्चुरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है बेटा ऑक्सीटोसिन, इसके बाद लैक्टेशन के लिए भी ऑक्सीटोसिन ज़रूरी होता है क्योंकि वो मिल्क इजेक्शन भी हेल्प करता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं बेटा अपने को ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। एंड हर बार इसमें से 3 या कभी कभी 4 एमसीक्यू भी आता है बेटा, तो 12 से 16 मार्क आपके पक्के हो जाते हैं फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन इटसेल्फ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसी है, इसमें कुछ भी नहीं है, जितना मैं मार्क कर रहा हूँ बस उतना याद रखिए। गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले क्या होगा प्रोसेस, इसका सीक्वेंस कभी कभी पूछा जा सकता है बेटा कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या है। तो सबसे पहले होगा बेटा गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी बेटा इसको आप बोल सकते हो इंसेमिनेशन, मतलब जब मेल एंड फीमेल इंटरकोर्स होगा तब जो मेल रहेगा वो अपने स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक में डाल देगा, उसको बोलते हैं बेटा इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें फॉर्म होगी, ब्लास्टोसिस फॉर्म होगा, जायगोट फॉर्म हो चुका है बेटा, ठीक है। एंड इसके बाद आफ्टर 7th डे इसका क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो यूट्रस वॉल को, यूट्रस को चिपक जाता है बच्चा ऑन 7th डे, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो बेटा इम्प्लांटेशन। इसके बाद चालू हो जाता है जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है जो कि होता है बेटा 270 डेज, या फिर आप इसको 9 मंथ की प्रेगनेंसी बोल सकते हो, प्लस प्लस माइनस 7 डेज, ठीक है। चलिए इसके बाद आती है बच्चे की डिलीवरी जिसको आप पार्चुरेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। एंड इसके बाद जो मेन चीज आएगी इसके बाद दैट इज लैक्टेशन। तो ये जो जितने इवेंट है बेटा, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है, जेस्टेशन एंड देन पार्चुरेशन, इन सारी चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा तो स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है
वो मेल्स में चलता रहता है। इवन अगर आप न्यूज़ सुनेंगे तो एक व्यक्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है कि उसने 88 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने 26 साल की लड़की से शादी किया था एंड उनका भी बेबी हुआ था, ठीक है। तो स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है वो प्रोसेस कंटिन्यू होती है इन मेल्स, ठीक है। हाँ, थोड़ा कम हो जाता है लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन चालू ज़रूर रहता है। बट इन केस ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स आर रिप्रोडक्टिव ओनली एट अ पर्टिकुलर एज। तो आप को पता है बेटा कि ओवम सीजेस इन वुमन अराउंड द एज ऑफ 55, ठीक है, 50, ठीक है। तो फीमेल्स आर रिप्रोडक्टिव ओनली बिटवीन 15 साल से 45 या 50, मतलब दे आर रिप्रोडक्टिव ओनली बिटवीन 30 to 35 years बेटा, ठीक है। चलिए, तो इस बात को अपन समझ चुके हैं। चलिए अब आते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, प्यूबर्टी का जो टाइम है बेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। व्हेन प्यूबर्टी का जो पीरियड होता है, व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट वर्किंग, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है, एंड ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ब्रॉडनिंग ऑफ फेस, ठीक है। उसके बाद जो लो पे चॉइस होती हैवी वॉइस होती है लड़कों की, ठीक है। हेयर जो आते हैं, मुस्टैच बियर्ड आती है, ठीक है। BMR का हाई हो जाना, ये सारी चीज़ें जो होती है मेल्स में डेवलप होती है। अगर आप फीमेल्स में देख बोलेंगे तो मेंसेस का आना, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हाई पिच वॉइस, ये सारी चीज़ें फीमेल्स में आती है बेटा। इनमें मेमोरी गैंस का डेवलपमेंट, नैरो शोल्डर हो जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फीमेल्स में आती है। एंड ये कब आता है बेटा? प्यूबर्टी के टाइम पे। मेल्स में प्यूबर्टी होती है 12 से 16 के बीच में, एंड फीमेल्स में 11 से 15 के बीच में प्यूबर्टी आ जाती है बेटा, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग भी होता है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा पेयर ऑफ टेस्टिस, एंड इसमें बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंट, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसाइकल, पेनिस, ये जितने भी हैं आप ऐसे बोल सकते हो उनको एसेसरी ग्लैंड्स की तरह होते हैं, या फिर आप उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल्स में वो टेस्टिस ही होता है। एंड अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, क्योंकि यही से उसके हार्मोन एंड ओवम बनता है, एंड टेस्टिस से उसका स्पर्म एंड आप इसे बोल सकते हो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन याद रखेंगे। फीमेल्स में जब मेंसेस स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं बेटा मिनार्च, ठीक है। एंड जब वो रुकती है मेंसेस तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। तो ये अपने को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसके बाद एक दो चीज़ें अपन याद रखेंगे बेटा कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स में टेस्टिस जो होती है बेटा ये स्क्रोटल सैक में रखी होती है। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट मसल्स होती है बेटा, इसमें से एक इम्पोर्टेंट मसल होती है बेटा डार्टल्स मसल, ठीक है। तो वो स्क्रोटल सैक्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करती है बेटा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको पता है कि ये जो स्पर्म प्रोडक्शन है ये 2 to 2.5 degree लोअर टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर वो नहीं होगा उस टाइम पे, उस टेम्परेचर पे, तो DNA में एरर आ सकती है। तो आने वाले बच्चे में बायोकेमिकल लेवल पे चेंजेस आ सकते हैं उसके DNA में, एंड जो आने वाला बच्चा है वो प्रॉब्लमेटिक पैदा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, ये तो अपने को पता है। एंड इसका जो टेम्परेचर है बेटा 2 to 2.5 degrees कम होना चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूँ, जैसे कि मैमल्स दूसरे हैं, जैसे कि एलिफेंट है या वेल है, इनके जो टेस्टीज होते हैं वो इनके एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं बेटा, ठीक है। एंड जो टेस्टीज होते हैं वो 7th month ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे के, मेल के बच्चे के स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। अगर वो नहीं डिसेंट होते हैं तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है बेटा जिसको अपन बोलते हैं क्रिप्टो कॉयरिडिज्म, ठीक है। क्रिप्टो कॉयरिडिज्म, ठीक है बेटा। ये क्रिप्टो कॉयरिडिज्म जो होती है इसमें जो मेल होता है वो स्टराइल हो जाता है, क्योंकि उसके जो टेस्टिस है वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो इतना समझ गया बेटा। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल शेप एंड इनका लेंथ जो है, लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिया है बेटा, विड्थ दिए है 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं इस तरह से, एंड विड्थ में आप ऐसे बोल सकते हो कि ये 2 to 3 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है।
चलिए, तो इतना समझ में आ गया अपने को, ठीक है। एंड वाइल्ड हैविंग एक बात और याद रखेंगे बेटा, कि जब अपन क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं या फिर पल्सर जैसी बाइक चला रहे हैं, तो थोड़ा संभल के ये होना चाहिए। एंड जो सेफ गार्ड होता है पेल्विक वाले रीजन में, वो ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा कभी कभी ऐसे होता है बेटा कि एक ग्यूबरनाकुलम कॉर्ड होता है, एंड वो ग्यूबरनाकुलम कॉर्ड अगर रप्चर हो गया। ग्यूबरनाकुलम कॉर्ड क्या करता है बेटा, एक आपको बात बता दूँ, ग्यूबरनाकुलम कॉर्ड जो है ये टेस्टिस है, एंड इसके अंदर यहाँ पे होता है बेटा, ये स्क्रोटल सैक है, इसके अंदर है टेस्टिस। तो टेस्टिस को अपने प्रॉपर पोजीशन में पकड़े रखने के लिए एक होता है बेटा ग्यूबरनाकुलम कॉर्ड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब उस पर बॉल बॉल लग जाता है गलती से, तो क्या होता है कि ग्यूबरनाकुलम कॉर्ड रप्चर हो जाता है, एंड इसकी वजह से क्या बोलते हैं, जो टेस्टिस है वो अपने आप रोटेट होने लगती है बेटा स्क्रोटल सैक में। तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, एंड इसकी फिर सर्जिकल रिमूव करके टेस्टिस को बाहर निकालना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, टू ऑलवेज वेयर दैट प्रोटेक्टिव कप, वेरी क्लियर बेटा। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट, ठीक है बेटा। तो आपको स्क्रोटल सैक में आप ऐसे बोलेंगे ना, तो टोटल 8 लेयर्स होती है बेटा। इसमें डार्टस मसल्स आती है, फिर अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें जो ट्यूनिका एल्बुजीनिया होता है, वेजाइनाइलिस होता है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं VAV, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि जो टेस्टिस है उसकी भी 3 लेयर है, इसके बाहर भी टोटल अगर आप गिनने जाएंगे तो 8 लेयर्स होती है, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है बेटा टेस्टिस की, ट्यूनिका वजानाइलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये सबसे इनर वाली होती है, वेस्क्यूलोसा सबसे इनर, एल्ब्यूजिनिया उसके बाहर, एंड सबसे बाहर होती है बेटा आपकी वजाइनालिस, ठीक है। तो इतना अपन याद रखेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ बेटा। चलिए, इसके बाद तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पे सारे डक्ट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो वास डिफरेंस है, यूरिनरी ब्लैडर है, सेमाइनल वेसाइकल है, यूरेटर है, इसके अलावा यूरेथ्रा, पेनिस, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, ग्लांस पेनिस, इसकी फोर स्क्रीन, ठीक है। ये हो गया स्क्रोटम, ये हो गया उसके अंदर रेड कलर की टस्टी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये एनस इरेक्टम, एंड ये, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डायग्राम बेटा, इसको एक बार देख लीजिए। इससे भी ज़्यादा लेकिन एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो वाला, ये है, ठीक है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। चलिए, तो अगर आप टेस्टिस को देखेंगे बेटा, तो टेस्टिस में, ये अगर एक टेस्टिस है, तो टेस्टिस में ऐसे 250 लोब्यूल्स होते हैं, ऐसे 250 लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन इन लोब्यूल्स को बोलते हैं बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड इन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं बेटा। तो हर टेस्ट लोब्यूल में 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है बेटा, ठीक है। तो इतना अपन याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके बाद ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हर टेस्टिस में क्या होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी एक पाथवे भी बता चुका था बेटा, तो इस डायग्राम को देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है सबसे पहले स्क्रू नाम का एक पाथवे था बेटा, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे अपन, इसको पॉज करके देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट पाथवे अपने को पता चल गया बेटा। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है जिनमें जो प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्रिप्टोकायरिडिज्म है, या हाइपर ट्राइकोसिस है, या इंग्वाइनल कैनाल वीक है, जिसको आप हर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी बीमारियां है बेटा कि जिसमें जो प्रॉब्लम होती है, टेस्टिस में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल में हर्निया है काइंड ऑफ, इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल का हिस्सा स्क्रोटल सैक में आ जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन याद रखेंगे। इसके बाद चलिए, तो अपन पाथवे ऑफ स्पर्म भी देख चुके हैं अभी, ठीक है। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक दिया था स्क्रू स्क्रू, ठीक है। तो सबसे पहले जाता है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से आता जाए बेटा रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से आता है बेटा इफरेंट डक्टस, ठीक है। इफरेंट डक्टस के पास एपिडिडाइमिस, एंड लास्ट में आता है बेटा वास डिफरेंस के पास, ठीक है। चलिए,
चलिए तो इसके बाद याद रखेंगे, ईच लोब्यूल कंटेन्स सेमिनिफेरस ट्यूबुल विच हैज स्पर्म प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनते हैं बेटा, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से ट्रिक एक बता दूँ कि FSH जो हार्मोन होता है, FSH हार्मोन काम करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स पे वो काम करता है एंड क्या बनाता है बेटा, स्पर्म बनाता है। क्या रहेंगे अपन, क्या इसको बोलेंगे, 4S फॉर्मूला बोलेंगे अपन इसको। क्या बोलेंगे, FSH जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स पे काम करता है, वो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। वेरी क्लियर, इतना याद हो गया। चलिए तो इसमें देखिए बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मेनली दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं स्पर्म और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एस में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है स्पर्म, दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है बेटा, चलिए द मेल जर्म सेल्स अंडरगो डिवीजन। ठीक है, पूरे ह्यूमन बॉडी में सिर्फ जो स्पर्म एंड ओवम होते हैं बेटा, इन्हीं में मियोसिस होता है, बाकी पूरे सभी जगह पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, चलिए तो फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है अपन देखेंगे थोड़ी देर में कि किस तरह से सारी चीज़ें होती है बेटा। ठीक है, एंड आपको पता है कि स्पर्म को मेनली न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उसको मिलता है न्यूट्रिशन सर्टोली सेल से एंड एपिडिडाइमस से। ठीक है, चलिए उसके बाद वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ये तो हो गया आपके लोब्यूल्स, लेकिन इसके यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके आजू बाजू का जो एरिया है उसको आप बोल सकते हैं बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस। एंड इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या रहेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स रहेंगे, या आप इसको लीडिंग सेल्स भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, ये जो डायग्राम है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि पाथवे ऑफ स्पर्म हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हुआ, उसके बाद आता है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के बाद आता है रेटेड टेस्टिस, उसके बाद आता है बेटा वाज इफरेंशिया के बाद, वाजा इफरेंशिया को ही इफरेंट डक्टस बोलते हैं बेटा। उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस के बाद आता है बेटा वाज डिफरेंस के बाद फिर ये यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है कि सारे ग्लैंड्स जो है वो डबल होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होती है। मतलब ये बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड भी दो होते हैं, सेमिनल वेसिकल भी दो होते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल होती है एंड उसका सिक्रीशन भी एसिडिक होता है, बाकी सबका सिक्रीशन क्या होता है, बेसिक, लेकिन ये प्रोस्टेट ग्लैंड का ही सिक्रीशन क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ गया आपने को। चलिए तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। ठीक है, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइजेज एंड सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। तो मेनली अपन एक और बात मैं आपको ट्रिक दे दूँ बेटा कि ये जो होते हैं LH फीमेल्स में तो ये ओव्यूलेशन करने वाले हैं, लेकिन मेल्स में LH काम करता है लीडिंग सेल्स पे। किस पे काम करता है, लीडिंग सेल्स पे, एंड लीडिंग सेल्स में वो क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो LH हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल्स, या फिर आप इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं, क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा कि लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीज हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। तो एंड्रोजन आपको पता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को एंड्रोजन बोलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। वो DHEA नाम का भी हार्मोन रिलीज करता है, डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मेन टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं बेटा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, द मेल एसेसरीज डक्ट्स रेटेड टेस्टिस वाजा इफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस वाज डिफरेंट। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इन वाज डिफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। तो ये करेक्ट सीक्वेंस बोला गया है बेटा, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था स्क्रू। ठीक है, तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद रेटेड टेस्टिस, फिर इफरेंट डक्टस, उसके बाद एपिडिडाइमिस एंड एपिडिडाइमिस के बाद वाज डिफरेंस। ठीक है, तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस रहेगा बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद वाजा इफरेंशिया, द वाजा इफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इन टू एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस के बाद इट लीव्स इन टू वाज डिफरेंस लास्ट वाला। ठीक है बेटा, असेंड इन टू एबडोमिन
एंड इन यूरिनरी ब्लैडर के यूरेथ्रा में वो मिल जाता है, ठीक है बेटा। एंड यूरेथ्रा से मिलके वो फिर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, ठीक है। यूरेथ्रा को ही इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड द डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा ये जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है पेनिस के पार्ट से बेटा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस एंड टू द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रल मियाटस। तो पेनिस का जो ये लास्ट पार्ट है बेटा, ठीक है, ये ग्लांस पेनिस हो गया, तो ये जो लास्ट पार्ट होता है इसको आप बोल सकते हो यूरेथ्रल मियाटस, ठीक है। एक दो चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा में याद रख लीजिए बेटा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्टुली सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, स्पर्म को। एंड जो एपिडिडाइमिस है बेटा, जो एपिडिडाइमिस है इसके तीन हिस्से होते हैं। जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेटा कॉप्यूट एपिडिडाइमिस, जो मिडल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मिडल एपिडिडाइमिस, एंड जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। कॉडा का मतलब ही होता है बेटा टेल, ठीक है। चलिए तो इतना अपन याद रखेंगे। आप अगर सीमेन का कंपोजिशन देखेंगे बोला बेटा, तो सेमाइनल वेसिकल्स में से ऑलमोस्ट 60% इसका जो सिक्रीशन है बेटा वो आता है, एंड इसकी वजह से जो चिपचिपापन रहता है, जो विस्कोसिटी रहती है, वो स्पर्म को विस्कोसिटी मिलती है, लेकिन इसका जो नेचर है वो बेसिक होता है बेटा, ठीक है। और सेमाइनल वेसिकल नंबर में कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, मैंने आपको बताया बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं ये होते हैं, ये कंट्रीब्यूट करता है 30%, और ये क्या होता है एसिडिक कंट्रीब्यूशन करता है, एंड ये सिंगल होता है इन नंबर, ठीक है बेटा। और इसकी वजह से वाइटिश या मिल्किश कलर आता है सीमेन को। बचा कुचा जो 10% है बेटा, इसमें 2 से 5% जो होता है वो स्पर्म कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो आपके वास डिफरेंस है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड इसकी वजह से टोटल 10% रहता है, लेकिन ये भी क्या होता है बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है बेटा। एक बात आपको बता दूं कि जो स्पर्म होते हैं उसको बेसिक नेचर बहुत पसंद होता है, ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट में जो स्पर्म है वो मर जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इनका जो पीएच होता है ऑलमोस्ट 7.4 के ऊपर ही होता है बाकी सबका। एक दो प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसका जो पीएच है 7 के नीचे होता है बेटा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो इनमें बेटा फ्रुक्टोज भी निकलता है, ठीक है। इसके जो सीमेन है इसमें फ्रुक्टोज भी निकलता है, एंड फ्रुक्टोज टेस्ट ही किया जाता है इन केस ऑफ रेप केस। तो फीमेल्स की जो वजाइना होती है रेप केस केस में, वहाँ पे देखा जाता है फ्रुक्टोज टेस्ट अगर पॉजिटिव आया है दैट मीन्स शी इज़ बिन रेप्ड, ठीक है। तो इतना अपन याद रखेंगे इसमें। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है बेटा, ठीक है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वाला एरिया है बेटा, इसमें क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, सर्टुली सेल्स। सर्टुली सेल्स क्या करते हैं बेटा, स्पर्म प्रोडक्शन में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे सर्टुली सेल्स है, एंड यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इसके आजू बाजू वाला जो एरिया था मैंने आपको बताया था लीडिंग सेल्स है, या फिर आप इसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोल सकते हो, एंड यहाँ से क्या बनेगा मेनली, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनने वाला है। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए द पेनिस इन मेल इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू विच हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है बेटा। ये जो स्पेशल टिश्यू होते हैं इसको आप बोल सकते हो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसम। तो ये जो बाहर की फोरस्किन है ना, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये पेनिस वाला एरिया है, एक ग्लांस पेनिस है, एंड इसके बाहर एक स्किन होती है, ठीक है। तो ये जो स्किन वाला एरिया है इसको आप बोल सकते हो ये कैसे बना हुआ है, ये कॉर्पस कैवर्नोसम से बना है, कैवर्नोसम, ठीक है। बाहर की जो स्किन है इसको आप बोल सकते हो कॉर्पस कैवर्नोसम से बना है, एंड अंदर का ये जो एरिया होता है बेटा, जो अंदर का एरिया है ये वाला, ठीक है, उसके अंदर है, ठीक है। ये जो अंदर का एरिया है ये होता है बेटा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, क्या होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। एंड मेनली अगर आप बोलेंगे तो
तो ये कॉर्पस पॉन्जियोसम में ब्लड वेसल्स ब्लड बहुत सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है बेटा, एंड इसकी वजह से ही जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें एक वेन होती है बेटा एंड आर्टरीज होती है। ठीक है, एंड इसमें ये वाला जो एरिया है ये इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ही एक ये होता है। इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है बेटा कि इसमें एक प्रिप्यूजल ग्लैंड होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स पेनिस के पास होते हैं बेटा प्रिप्यूजल ग्लैंड, एंड वो क्या रिलीज करते हैं, वो बनाते हैं स्मेग्मा। ठीक है, उसका जो सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं स्मेग्मा, एंड स्मेग्मा एक वाइटिश सा सिक्रीशन होता है, एंड ये इसको बार बार साफ करने की ज़रूरत होती है, इसलिए मेल्स ने बहुत ज़्यादा है वॉश करना चाहिए अपने पेनिस वाले एरिया को, हर दिन में एक बार तो नहाना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस स्मेग्मा बहुत ज़्यादा जमा हो गया तो उसकी वजह से नेक्रोसिस होने के भी चांसेस होते हैं ग्लांस पेनिस वाले एरिया में। ठीक है, जो नेक होता है, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम्स में ये होता है बेटा कि उनमें खतना करते हैं। खतना का मतलब होता है बेटा सरकम सीजन करना। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फोरस्किन को ही वो निकाल देते हैं, एंड इसकी वजह से जो स्मेग्मा है वो जमा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी होता है सरकम सीजन उसको बोलते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या बोला गया, कवर्ड लूज फोल्ड कॉल्ड फोरस्किन। ठीक है, तो फोरस्किन कैसे बनी हुई है, जो आपकी फोरस्किन है बेटा वो कॉर्पस कैवर्नोजम से बनी है, एंड उसके अंदर का जो एरिया है वो स्पॉन्जियोसम से बना है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज से याद रखिए बेटा, स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज फूलता है। ठीक है, आप देखा हो ना स्पॉन्ज, वो फूल जाता है, तो अंदर का जो एरिया है वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से फूल जाता है। ठीक है बेटा, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल मतलब दो है, सेमाइनल वेसिकल कितने हैं, दो है। अप्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, एंड अ पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, मतलब सेमाइनल वेसिकल भी दो है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दो है, लेकिन प्रोस्टेट कितना है बेटा, एक है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि प्रोस्टेट ग्लैंड 30%, सेमाइनल वेसिकल 60%, एंड बचा खुचा जो है बेटा स्पर्म एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वगैरह देते हैं। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा एंड विच इज रिच इन फ्रुक्टोज। तो मैंने अभी अभी बताया था बेटा कि फ्रुक्टोज की वजह से ही तो रेप टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स वजाइना में कभी भी ये नहीं होता है बेटा, फ्रुक्टोज नहीं होता। कैल्शियम इंसर्टम एंजाइम, ठीक है, तो कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए भी। ठीक है बेटा, इसके बाद द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसकी वजह से लुब्रिकेशन होता है पेनिस का। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है जो आपने सुने होंगी, जिसको अपन बोलते हैं कैपेसिटेशन। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आप इसको याद रखिए कि जब स्पर्म है, ये जो स्पर्म है बेटा, इसकी साफ सफाई जो होती है ना, इस ये जब इतना लंबा ट्रैवल करके फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाता है, तो वजाइनल फ्लूइड इसकी साफ सफाई करती है, ताकि वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाए एंड ओवम के साथ फर्टिलाइज कर पाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कैपेसिटेशन। इसके ऊपर एमसीक्यू ये आता है कि कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, तो आप इसको याद रखेंगे कि ये होती है बेटा फीमेल जेनाइटल ट्रैक में होती है कैपेसिटेशन की प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो इतना आपने को समझ चुका है बेटा कि इतनी सारी चीज़ें इसमें आती है रिलेटेड टू पेनिस एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पीएच होता है, आप ऐसे बोल सकते हो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पीएच है ऑलमोस्ट 6.5 to 6.8 के बीच में होता है, स्लाइटली एसिडिक आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद तो ये अपन कवर कर चुके हैं बेटा, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलता है बेटा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, लेकिन वो जब एनसीईआरटी के हिसाब से ही अपन चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। उसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा, यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, ब्रेस्ट, ये सारी जो होते हैं बेटा मेमरी ग्लैंड, ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, तो दो ओवरीज होते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, तो ओविडक्ट आप ऐसे बोल सकते हो बेटा फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोल रहा है। यूट्रस रहता है बच्चेदानी, सर्विक्स वाला एरिया वजाइना। ठीक है, एंड एंड एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया लोकेटेड एट पेल्विक रीजन। ठीक है, तो आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है बेटा। ठीक है, इसको देखिए जरा सा।
ठीक है, तो ये जो इसके नीचे वाला डायग्राम है पेज नंबर 45 पे, इसको ही ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बोला है देयर दीज आर द पार्ट ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विद पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड सेक्शुअली फंक्शनली सपोर्ट ओव्यूलेशन। तो ये सारी चीज़ें ओव्यूलेशन में हेल्प करती है, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो आपको पता है बेटा कि फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूलेशन के लिए ओवरी, फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब वाला एरिया, फिर प्रेगनेंसी वाला एरिया, प्रेगनेंसी यूट्रस में होने वाली है बेटा, बर्थ भी वजाइनल कैनाल एंड यूट्रस वाले एरिया से होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें सारे प्रोसेसेस को हेल्प करती है, ठीक है, सपोर्ट करती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का डेवलपमेंट एंड ये सारी चीज़ों के लिए। ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, इसको जो बोलता हूँ उसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। दैट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, ठीक है, एंड सेवरल स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, ठीक है। तो मेनली ये स्टीरॉयड हॉर्मोन्स कौन से होते हैं बेटा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेनली आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द एब्डोमेन, ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर, तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बेटा, ये 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच के होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल ऑफ यूट्रस विद द लिगामेंट। तो ये आपको पता है कि ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, ठीक है। तो लिगामेंट से कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से, ठीक है। इसके बाद ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। तो इसमें स्ट्रोमा होता है बेटा, इस स्ट्रोमा भी आपको पता है बेटा कि 2 जोन में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाला जो रहेगा इसको आप बोल सकते हैं कॉर्टेक्स, फॉर एग्जाम्पल ये ओवरी है तो ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स एंड इनर वर्ड इज कॉल्ड मेड्यूला, ठीक है। अगर आप ओवरी की पोजीशन देखेंगे बेटा तो एक वर्जिन फीमेल जिसमें कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है उसमें वर्टिकल होती है बेटा, जो ये होती है बेटा जो प्रेग्नेंट नहीं हुई है इसको बोलते हैं बेटा नल्ली पैरा। मतलब पोजीशन अगर ओवरी की और वर्टिकल है तो उसको बोलते हैं नल्ली पैरा पोजीशन, मतलब वो वर्जिन है, ठीक है। एंड अगर ओवरी की पोजीशन इस तरह से हॉरिजेंटल हो चुकी है तो उसको बोलते हैं बेटा मल्टी पैरा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पोजीशन होती है आप ऐसे बोल सकते हो कि जब बेबी को वो बर्थ दे रही होती है ना तब इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, थीके? तो ये अपन देख चुके हैं बेटा, ओके। कभी कभी ये एमसीक्यू आता है बेटा कि टेस्टिस का होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। तो टेस्टिस का होमोलोगस ऑर्गन क्या है भैया, टेस्टिस का होमोलोगस ऑर्गन होता है बेटा ओवरी, ठीक है। दे आर द होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ इच अदर। एंड अगर कभी पूछे कि क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस किसको रिजेंबल करती है होमोलोगस ऑर्गन है, तो वो पेनिस का होता है बेटा, ठीक है। तो थोड़ी देर में आपको डायग्राम बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो वाला पार्ट है ये हो गया यूट्रस, ठीक है। यूट्रस से क्या रहेगा, वजाइना रहेगी, वजाइनल ये जो कैनाल है, ठीक है, ये वजाइनल की ओपनिंग रहेगी। यहाँ पे आपको पता है बेटा लैबिया मैजोरा, लैबिया माइनोरा एंड ऊपर साइड में क्या रहेगी, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है क्लाइटोरिस, ठीक है। यूरेथ्रा रहेगा, इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये इसका एनस वाला एरिया रहेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो वजाइना है एंड वजाइना के बाद ये जो यूट्रस है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लेबलिंग के लिए आ सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, द राइट द ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ओविडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस वजाइना कॉन्स्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एसेसरी डक्ट्स है बेटा। मेन क्या है, मेन ओवरी है, बाकी सब ये जो है ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना ये एसेसरी डक्ट है, ठीक है। ईच फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर, एक्सटेंड पेरीफेरी टू द ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है बेटा। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज इन्फंटिकुलम। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे ओवरी के जो सबसे पास वाला एरिया है इसको आप बोल सकते हो इन्फंटिकुलम। फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो ओवरी से सबसे पास है वो कौन सा है बेटा, इन्फंटिबुलम, ठीक है। द एजेस ऑफ इन्फंटिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड फेमरी। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेमरी बोलते हैं, ठीक है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम। तो ये क्या करते हैं, ओवम जैसे ही आया यहाँ से, ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इन्फंटिबुलम, एंड वहाँ पे इस वाले एम्पुलर स्थमरी जंक्शन पे वो
जाके रुकेगा, ठीक है। इन्फ्लेमेबल लीड्स टू अ वाइडर, तो एक दो चीज़ें इसमें भी याद रख लेते हैं बेटा, कि ये वाला हो गया वजाइना, ये हो गया सर्विक्स कैनाल, ये हो गया सर्विक्स, ठीक है। इसके बाद ये फिमरी है बेटा, फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट है, जो ओवरी के सबसे पार्ट है उसको बोलते हैं इंडिपेंडिपुलम, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद इस्थमस, ठीक है बेटा। इसके बाद ये जो यू है यूटेराइन कैविटी है, एंड ये जो है यूट्रस की वॉल है ये, ठीक है बेटा। यहीं पे आके बच्चा इम्प्लांट होने वाला है आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया बाहर की वॉल सर्विक्स की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो सबसे अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं बेटा एंडोमेट्रियम। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मेंसेस आती है तो मेंसेस में हर बार ये जो एंडोमेट्रियम है ये शेड ऑफ होके मेंसेस का ब्लड बन के बाहर चले जाता है थ्रू वजाइना, ठीक है। तो इतना अपन याद रखेंगे, ओके। द पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस, तो अपन देख देख चुके हैं बेटा डायग्राम में कि इस्थमस जो है वो लास्ट पार्ट होता है, एंड जो ज्वाइन करता है किसको ज्वाइन करता है, इस वाले एरिया में होता है इस्थमस, तो वो किसको ज्वाइन करने वाला है, यूट्रस को ज्वाइन करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यूट्रस इज अ सिंगल, इट इज कॉल्ड वॉम्ब। तो यूट्रस आपको पता है बेटा, इसको वॉम्ब बोलते हैं या फिर इसको आप बच्चेदानी भी बोल सकते हो। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है बेटा ये, ठीक है। सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। द यूट्रस ओपन्स इन वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, तो नैरो सर्विक्स के थ्रू वजाइना में वो ओपन होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, ठीक है बेटा। ये जो सर्वाइकल कैनाल होता है इसमें एक इंटरनल ऑरिफिस होता है, एंड इसमें बहुत सारे स्पिंचर भी होते हैं बेटा, सर्वाइकल स्पिंचर आप इसको बोल सकते हो। ये जो सर्विक्स के स्पिंचर होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा, ठीक है। एंड इतना वजन वो बेयर करते हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8 किलो तक का वजन वो बेयर करते हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड है, बच्चे का वजन है, 4 से 5 किलो का तो बच्चा ही हो जाता है, ठीक है बेटा। एंड इसके बाद उससे भी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड एंड इन सारी चीज़ों का वजन लेके वो जो सर्विक्स का स्पिंचर है बहुत ज़्यादा वजन बियर करता है। जो सर्विक्स स्पिंचर है, सर्विक्स स्पिंचर ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिंचर में की कैटेगरी में आता है बेटा, ठीक है। एक छोटा सा एमसीक्यू और लिख लीजिए कि बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, या बर्थ कैनाल किन दो लोगों से बना होता है। तो बर्थ कैनाल जो है सर्वाइकल कैनाल, एंड उसके बाद आपका जो वजाइना है, दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाता है, ठीक है। चलिए तो इतना याद हो गया बेटा। तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था बेटा कि जो आउटर जो होती है बेटा उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, यूट्रस की जो वॉल होती है, उसके बाद में आती है मिडल वाली मायोमेट्रियम, एंड अंदर की जो वॉल होती है उसको बोलते हैं बेटा एंडोमेट्रियम, और यही जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड ऑफ होती है ना। तो ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा मैं, ठीक है। द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो ये जो बीच वाली लेयर होती है ना बेटा, मेनली जो ऑक्सीटोसिन रिलीज जब होता है तो वो मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेटा कि द स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, एंड इसी की वजह से बच्चे की डिलीवरी होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, ओके। तो जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है बेटा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, ये जो बड़ा वाला एरिया है बेटा, इसको आप बोल सकते हो मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है वो हेयरी एरिया है, ये जो एरिया है ना बेटा ये हेयरी एरिया है, जिसको आप बोल सकते हो बेटा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के अंदर जो है बेटा ये वाला जो एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा के अंदर क्या आता है बेटा, लेबिया मेजोरा के अंदर आता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा के अंदर एक तीन तरह की आपको दिखाई देंगे, एक क्लाइटोरिस है सबसे ऊपर में, उसके नीचे है बेटा यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा के नीचे आता है वजाइनल ओरिफिस, ठीक है, एंड उसके नीचे आएगा एनस, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे दी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपन ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं बेटा। फीमेल जिनाइटर इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस होता है बेटा ये हेयरी वाला एरिया है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उसके बाद हाइमन क्लाइटोरिस, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस इज फ्यूजन फैटी लाइक स्ट्रक्चर विथ स्किन एंड हेयर, ठीक है। तो इसमें जो होता है बेटा मॉन्स प्यूबिस में क्या होते हैं, इसमें होते हैं हेयर्स, ठीक है। इसके बाद अंदर क्या आएगा,
लेबिया मेजोरा आएगा, ठीक है, फ्लेशी टिश्यू है, इसके अंदर आता है बेटा लेबिया माइनोरा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वजाइनल ओरिफिस एंड यूरेथ्रा को कौन कवर करता है मेनली, तो लेबिया मेजोरा करेगा या लेबिया माइनोरा करेगा, लेबिया माइनोरा उनको कवर करता है, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद क्या बोला है, पेयर टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा ओपनिंग ऑफ वजाइना इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। तो आपको पता है बेटा वजाइना जो है, वजाइना में अंदर साइड में हाइमेन नाम की लेयर होती है, एंड ऐसे तो वो कभी मतलब थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप है बेटा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है सेक्स के दौरान, वो जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अ इंडिकेशन ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है, मतलब जो फीमेल्स में वर्जिनिटी की जो निशानी है करके, ऐसा वो एक एक ट्रस्ट वर्दी ये नहीं है कि इंटरकोर्स हुआ ही है या नहीं भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जैसे कि हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एंड इन सारी चीज़ों से भी फीमेल्स में वो अगर बहुत ज़्यादा बॉक्सर वगैरह है या रनर है कोई फीमेल, तो उनमें तो ये जो हाइमेन है ये रप्चर हो जाता है। तो ये इट इज़ नॉट एन लाइक ट्रस्ट वर्दी इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है बेटा। तो इसको अपन याद रखेंगे, और डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जो क्लाइटोरिस होता है बेटा, इट इज़ होमोलोगस टू पेनिस, ठीक है। एंड अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा स्टीरोइड वगैरह खाती है ना, तो इनका जो क्लाइटोरिस है वो बहुत बढ़ जाता है, ओके। तो मेमोरी ग्लैंड्स के डायग्राम पे आ चुके हैं बेटा, तो आपको दिखाई दे रहा है ये फैट के टिश्यूज है, मेमोरी लोब्स है, फिर मेमोरी एल्वियोला है, इसके बाद ये मेमोरी डक्ट में कन्वर्ट होते हैं एम्पुला वाले रीजन में, एंड फाइनली ये लैसिफेरस डक्ट के थ्रू निप्पल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपको पता है कि एक टिपिकल डायग्राम है, इसमें कभी कभी सीक्वेंस पूछा जा सकता है बेटा कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस जहाँ से मिल्क इजेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने डायग्राम में देखा था बेटा कि फंक्शन मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ब्रेस्ट दो होता है बेटा, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, तो अमाउंट ऑफ फैट वेरिएबल हो सकता है फीमेल टू फीमेल में। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, तो अभी अभी देखिए आपने बेटा कि मेमोरी लोब्स होते हैं 15 to 20 कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, तो उनके अंदर किस तरह के सेल्स होते हैं, मेमोरी एल्वियोलस या एल्वियोलाई होता है बेटा, ठीक है। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क, तो ये जो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई है वो सीक्रेट करते हैं मिल्क स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है बेटा। इसके बाद इट ओपन्स इन द मेमोरी ट्यूबुल्स, एंड उसके बाद ये जो ट्यूबुल्स है ये जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ठीक है। सेवरल मेमोरी ग्लैंड जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला, तो एक एम्पुला से वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, विच कनेक्ट टू द लैसिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क सक्ड आउट, तो बच्चा जब सक करने की कोशिश करेगा तो लैक्टिफेरस डक्ट से वो निकला जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस है आप ज़रूर याद रखेंगे बेटा इसको, ठीक है। अब इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट बेटा, मेल्स में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है इसको दिया गया है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोगोनिया, इसको बोलते हैं बेटा गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में ये बता देता हूँ, इसी डायग्राम को आप याद रखेंगे एंड इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, इसमें कोई अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं इसमें, ठीक है। देखिए ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है बेटा, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी सेल्स है वो है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, मतलब टेस्टिस के नॉर्मल सोमैटिक सेल्स हैं, इसका ही डिफरेंशिएशन होने वाला है। ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, सर्टोली सेल से लेंगे। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स का इसमें कन्वर्ट होने वाले है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे, यानी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं बेटा ये होता है क्रोमोसोम नंबर 46, कितने होते हैं ये होते हैं क्रोमोसोम, इनमें रहता है 46। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मेनली बेटा मियोसिस, क्या होता है मियोसिस वन होता है, या फिर आप इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हो। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, बरोबर है 23 हो जाएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 46, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 23। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कन्वर्ट होते हैं बेटा स्पर्मेटिड में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटिड, एंड स्पर्मेटिड का कन्वर्शन इनटू स्पर्मेटोजोआ,
या स्पर्म आप इसको बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ बेटा, इस प्रोसेस को बोलता हूँ मैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस होता है द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इंटू स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इंटू स्पर्मेटोजोआ, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, पूरी प्रोसेस जो होती है स्पर्म फॉर्मेशन की, उसको मैं बोलता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्मेटिड का कन्वर्शन इंटू स्पर्मेटोजोआ। एंड लास्ट एक टर्मिनोलॉजी है स्पर्मिएशन। तो जब सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मिएशन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब वो निकलते हैं सेल्स एंड ट्यूबर्स एपिडिडाइमिस जाते हैं बेटा, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा स्पर्मिएशन। ठीक है, तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज याद रखेंगे। नंबर एक स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। नंबर दो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है बेटा कि स्पर्मेटिड का कन्वर्शन हो गया है स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, एंड तीसरा है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का मतलब है बेटा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो एपिडिडाइमिस की तरफ जा चुके हैं सेल्स, तो इसको क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन। बस ये तीन ही चीज़ आप याद रखने वाली चीज़ है इसमें, और कुछ भी याद नहीं रखेंगे। एक चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितना होता है क्रोमोसोम नंबर 46 एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितना होता है 23, मतलब यहाँ पे क्या हो गया मियोसिस हो गया। बस यही चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली, बाकी आप पूरा टर्मिनोलॉजीज पढ़ लीजिए, यही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है बेटा, एंड इसमें से कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है बेटा। फिर GnRH जब रिलीज होगा, तो GnRH जब रिलीज होगा तब जाके हाइपोथैलेमस में से क्या रिलीज होगा, FSH एंड LH। ठीक है, तो LH आपको पता है बेटा लीडिंग सेल्स पे काम करता है, एंड ये क्या करने वाला है टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। FSHS मैंने आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स पे काम करते हैं एंड स्पर्म बनाते हैं, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू गोनाडोट्रोपिन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH L L से L लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट द एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन बनाता है, इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, FSH वर्क्स ऑन सर्टोली सेल्स, तो मैंने आपको बताया FSS मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स पे काम करेंगे एंड क्या बनाएंगे स्पर्म बनाएंगे, है ना, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कहीं ना कहीं वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करने वाले हैं बेटा। ठीक है, अब अगर आप जो स्पर्म को एग्जामिन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको दिखाई देगा एक्रोसोम की कैप है, इस एक्रोसोम की कैप में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम्स को बोला जाता है बेटा स्पर्म लाइसिन, एंड इस स्पर्म लाइसिन में जो मेनली एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो मेनली ये जो एक्रोसोम वाला एरिया है बेटा, इस एक्रोसोम वाले एरिया में मेनली तीन एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं बेटा, जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं इनको बोला जाता है बेटा स्पर्म लाइसिन। क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है स्पर्म लाइसिन, एंड ये जो स्पर्म लाइसिन होते हैं इनमें मेनली तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें एंजाइम बेटा हाइलुरोनिडेज। ठीक है, हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, ये पेनिट्रेट में हेल्प करता है, ठीक है, टू डिजोल्व द ओवम के लिए सारी चीज़ें ये करने वाला है। ठीक है, इसके अंदर होता है बेटा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तो कोरोना रेडिएटा नाम की एक लेयर होती है बेटा ओवम को, उसको लाइसिन करने के लिए होता है, एंड जोना लाइसिन एंजाइम। तो ये तीन तरह के मेन एंजाइम होते हैं जो कि एक्रोसोम कैप में होते हैं एंड ये ओवम में पेनिट्रेट करने के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, चलिए तो लेट अस एग्जामिन। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे हेड है, नेक है, मिडल पीस है, टेल पार्ट है, ठीक है, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप्स बॉडी एंड स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूक्लियस, तो आपको पता है बेटा इसमें अब कितने हैं क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं। एंटीरियर पोर्शन विच कवर्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम, एक्रोसोम्स आर फिल्ड विथ एंजाइम्स। तो मैंने अभी अभी बताया बेटा
ये जो स्पर्म लाइसिन नाम के ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, इसमें आता है हॉयलुरोनिडेज, इसमें आता है कोरिनोप्रोटीनेटिंग एंजाइम एंड जोनालाइसिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स हेल्प करने वाले हैं ओवम को टू पेनिट्रेट द ओवम, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, द मिडल पीस कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी आप लिख लीजिए, नेबन कर्न, नेबन कर्न, ठीक है। जो नेबन कर्न होता है, अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पीस, इसको बोला जाता है बेटा नेबन कर्न, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिलेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं स्पर्म को एनर्जी भी तो चाहिए, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करना है उसको तो, ठीक है बेटा। चलिए, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी, ठीक है। अगर आप एक मेल इजेकुलेशन की बात करेंगे तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक टाइम पे रिलीज होता है बेटा। अगर ये काउंट 35 मिलियन से कम हो गया तो जो मेल होता है वो स्टराइल की कैटेगरी में आ जाता है बेटा, ठीक है। तो इतना तो होना ही चाहिए, एक इजेकुलेशन में एक जो मेल होता है वो 3 to 5 ml ऑफ सीमेन रिलीज करता है बेटा, ठीक है। एंड इसमें से भी ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, उसमें से 60% जो होता है वो हाई जो स्पीड के होने चाहिए बेटा, ठीक है। एंड 40% शुड शो विग्रस मर्टेलिटी, मतलब 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। कभी कभी होता है उसकी टेल टूटी हुई है, मिडल पास टूटा पार्ट टूटा हुआ है, एक्रोसोम कैप टूटी हुई है, तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। 60% शुड बी एट नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड इसमें से भी 40% जो है वो हायर विगोरस मॉर्टेलिटी के होने चाहिए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बात बताना भूल गया बेटा, कि यहाँ पे जो मिडल पीस है, यहाँ पे दो सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड दूसरा जो होता है वो डिस्टल सेंट्रियोल होता है। डिस्टल सेंट्रियोल में से ही टेल पार्ट निकलने वाली है, एंड ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है यहाँ, ये जो है मेनली ये ओवम यूज करेगी टू कंप्लीट इट्स मियोसिस टू डिवीजन, ठीक है बेटा। तो इतना अपन याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, स्पर्म जो है उसका पाथवे फिर से दिखा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर ट्रांसफर्ड टू एसेसरी डक्ट, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। द सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट सीमन, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द सीमन, तो ये सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सबका सिक्रीशन प्लस स्पर्म, तो इसको टोटल मिला के अपन क्या बोलेंगे, सीमेन। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स डक्ट एंड ग्लैंड्स आर टू मेंटेन द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, ठीक है। तो टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स भी मेंटेन करते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन को ये मेंटेन करते हैं, ओके। चलिए, तो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है बेटा ऊजेनेसिस की प्रोसेस, ठीक है। तो ये ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसको अपन देखते हैं स्पेशली इन फीमेल्स, ठीक है। चलिए, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऊजेनेसिस, विच इज मार्क्ड बाय अदर देन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको पता है बेटा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये तो आपकी टेस्टिस में होगी, विच इज आउटसाइड द बॉडी, लेकिन ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो इनसाइड द बॉडी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। ऊजेनेसिस इनिशिएटेड, मतलब देखिए ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जब बच्चे बड़ी होने लगेगी या जब एडल्ट बन जाएगी तब होगी। ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही चालू हो जाती है, मतलब जब एक मदर के बॉडी में एक फीमेल चाइल्ड होती है तभी उसकी ऊजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है बेटा। उस टाइम पे कपल ऑफ मिलियन मदर सेल्स, मतलब ऊगोनिया सेल्स, मदर गैमेट सेल्स जिसको अपन बोल सकते हैं, वो 2 मिलियन होते हैं, ठीक है। कपल ऑफ मिलियन, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, ठीक है। 2 मिलियन इज इक्वल्स टू 20 लाख, सो 20 लाख मदर उगोनिया सेल्स जो होते हैं एक फीमेल फीटस में होते हैं बेटा, फॉर्म्ड इन ईच फीटल ओवरी, मतलब जो बच्ची की ओवरी जो अभी माँ के पेट में है उसमें 20 लाख मदर उगोनिया सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नो मोर उगोनिया सेल्स आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कभी भी उससे ज़्यादा न्यू कोई उगोनिया सेल आने वाला नहीं है, ठीक है। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इंटू प्रोफेज वन, ठीक है बेटा। तो ये जो है ये अपना डिवीजन चालू कर देते हैं, लेकिन आपको पता है इनका मियोसिस वन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक के स्पर्मेटो एक आप ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट
नहीं कर पाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोफेज वन में लटक के रह जाते हैं, ठीक है। इसके बाद टेम्पररी गेट अरेस्टेड इन दैट फेज एज अ एंड आर कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट। तो ये प्राइमरी ओसाइट स्टेज में ही कन्वर्ट होके रह जाता है बेटा फीटल लाइफ में। अब इनका बर्थ होना बाकी है, ठीक है, इनका बर्थ होना बाकी है। इसके बाद ईच प्राइमरी ओसाइट गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा लेयर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। तो इसके बाजू में प्राइमरी फॉलिकल नाम की एक लेयर जमना चालू हो जाती है बेटा, ठीक है। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो अब देखिए, अब इसके बाद इनमें बर्थ होगा, फिर उसके बाद इनकी चाइल्डहुड आएगा, फिर इनमें प्यूबर्टी आएगी। एंड जब प्यूबर्टी आएगी बेटा, तब जाके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच नाम के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इनका जो फर्स्ट मियोसिस है वो डिवीजन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल के बाद लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डी जनरेट एट द बर्थ टू प्यूबर्टी। मतलब अभी तक 20 लाख थे, मैंने आपको बताया था ना, अ कपल ऑफ मिलियन, लेकिन अभी कितने बच जाएंगे, ओनली 60 to 80 thousand प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। एंड इन प्राइमरी फॉलिकल में क्या है बेटा, इन प्राइमरी फॉलिकल में है प्राइमरी ऊसाइट्स। मतलब 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स है जिनके अंदर प्राइमरी ऊसाइट है, ठीक है। लेकिन वो प्रोफेज वन में लटके हुए हैं, ठीक है बेटा, प्रोफेज वन में लटके हुए हैं, ठीक है। इसके बाद द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय, अब इसमें से रैंडमली एक चूज होता है बेटा, एंड उसको फिर मोर लेयर्स आते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, ठीक है। तो उसको क्या मिलता है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। इसके बाद देखिए, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इंटू टर्शरी, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल जो है बाद में किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड टर्शरी फॉलिकल के दौरान इनमें एक फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये हो गया सेकेंडरी ओसाइट, यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म हो चुका है। इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट है, एंड ये जो कैविटी होती है या जो एरिया होता है बेटा, यहाँ पे फ्लूइड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड फॉर्म हो गया, इस फ्लूइड को मैं बोलता हूँ एंट्रम, इसको बोलूंगा क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा एंट्रम, ठीक है। तो टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट है, एंड इसके आजू बाजू में फ्लूइड फॉर्म हो चुका है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ बेटा आपका एंट्रम, ठीक है। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इन इंटरन थीका इंटरना एंड आउटर इज कॉल्ड थीका एक्सटरना, ठीक है बेटा। तो अभी अभी मैंने ये जो डायग्राम बनाया था बेटा, ये हो गया टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में दो लेयर्स होती है बाहर साइड में, ठीक है। तो ये हो गई, इसमें भी दो लेयर्स होती है बेटा, एक मैं ब्लू से बना रहा हूँ, नेक्स्ट वाला जो है मैं वो ग्रीन से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है, इसको मैं बोलूँगा थीका एक्सटरना, एंड ये जो ग्रीन से बनाया है, इसको मैं बोलूँगा थीका इंटरना। थीका इंटरना के अंदर क्या है, थीका इंटरना के अंदर है सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट। एंड इसके आजू बाजू वाला जो एरिया है बेटा, ये इसको मैं बोलता हूँ, ये जो येल्लो से बना रहा हूँ, इसको मैं बोलूंगा बेटा एंट्रम, क्या बोलूंगा, इसको एंट्रम, ठीक है, क्या बोलूंगा, एंट्रम, ओके। तो इतना याद रखेंगे बेटा कि ये जो टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है, सेकेंडरी ओसाइट के आजू बाजू में क्या होता है बेटा, एंट्रम नाम का फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं बेटा, ठीक है। एंड इसके बाहर में क्या होता है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं आपको, उसके बाद एंट्रम, ठीक है। तो द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इंटू टर्शरी फॉलिकल। देखिए, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल के में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट होता है, क्या होता है बेटा, सेकेंडरी ओसाइट होता है। एंड जब वो, आप ऐसे बोल सकते हो कि जब वो प्राइमरी ओसाइट है, जब वो प्राइमरी ओसाइट है तो क्रोमोसोम नंबर है 46, लेकिन जब वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो चुका है तो क्रोमोसोम नंबर कितना है, 23। जस्ट लाइक आपको मैंने बताया था ना बेटा कि स्पर्म में भी ऐसा होता है, स्पर्म में याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर क्या है, 23। उसी तरह प्राइमरी ओसाइट में क्रोमोसोम नंबर है 46, लेकिन मियोसिस वन होने के बाद एफएसएच के अंडर सेकेंडरी ओसाइट में कितना होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, द प्राइमरी ओसाइट विद इन द टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, तो पहले वो देखिए टर्शरी फॉलिकल में भी पहले प्राइमरी ओसाइट होता है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच वो जो ओसाइट होता है वो अपना साइज ग्रो करता है एंड फर्स्ट मियोटिक डिविजन कंप्लीट करता है। तो अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, टर्शरी फॉलिकल में अब है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है बेटा, सेकेंडरी ओसाइट है। टर्शरी फॉलिकल में भी वो पहले प्राइमरी ओसाइट ही होता है, लेकिन उसका फिर आप ऐसे बोल सकते हो डिवीजन हो चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ग्रोज इन प्राइमरी ओसाइट विद इन टर्शरी फॉलिकल, ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो जब वो थर्ड टर्शरी फॉलिकल में रहता है तो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है बेटा, एंड उसके बाद उसका कन्वर्शन कितने हो जाता है, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, तो अगेन वो जो थ्योरी है वो सही है, प्राइमरी ओसाइट में क्रोमोजोम नंबर 46, सेकेंडरी ओसाइट में क्रोमोसोम नंबर 23, सही है ये बात। ठीक है, चलिए, तो इन इक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन लार्जर सेकेंडरी हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट, मतलब 23 क्रोमोसोम नंबर 23 है बेटा, अ टाइनी प्राइमरी बॉडी इज फॉर्म्ड। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊगोनिया होते हैं बेटा, बहुत सारे ऊगोनिया। ठीक है, तो ये जो ऊगोनिया होते हैं ये 20 लाख होते हैं, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट होता है। ठीक है, एंड आपको पता है ये 60 to 80 thousand हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता है ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, लेकिन इसके अंदर ओसाइट कौन सा होता है, प्राइमरी ओसाइट ही होता है बेटा। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं बेटा, इसमें फिर प्राइमरी ओसाइट का डिवीजन होता है, एंड प्राइमरी ओसाइट किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आपको मैंने एक और बात बताया था बेटा कि यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम भी होती है। ठीक है, एंड इसके बाहर दो लेयर्स होती है बेटा, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना होती है लेयर। ठीक है बेटा, इसका जो फर्दर डिवीजन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, कन्वर्ट हो जाती है बेटा, एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट ही होता है, एंड सेकेंडरी ओसाइट को कवर करती है बेटा एक लेयर जिसको अपन बोलते हैं बेटा जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसमें सेकेंडरी ओसाइट है, एंड सेकेंडरी ओसाइट को कौन कवर कर रहा है, सेकेंडरी ओसाइट को कवर कर रहा है एक जोना पेलुसिडा। ठीक है बेटा, इतना अपन को याद हो गया। ठीक है, आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है इन सारी चीजों का। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है, द सेकेंडरी ओसाइट रिटेन्स द बल्क ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, कैन यू थिंक एनी एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बेटा कि ये जो प्राइमरी ओसाइट है एंड इसमें से निकलने वाली ये जो पोलर बॉडी है, तो ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत इवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म रखेगा तो फ्यूचर में वो जो अपना एम्ब्रियो है या फिर अपना जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस वगैरह है उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। तो इसका आंसर है बेटा कि वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, जो पोलर बॉडी बनती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी वो डीजनरेट हो जाती है। एट द प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट दिस, बट ये मैं मेडिकल बुक्स की टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ कि फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी वो डीजनरेट हो जाती है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद द टर्शरी फॉलिकल गेट चेंज इंटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो अभी अभी बताया मैंने कि जो टर्शरी फॉलिकल है किसमें कन्वर्ट होने वाला है, ये कन्वर्ट होने वाला है बेटा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एंड ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है सेकेंडरी ओसाइट, एंड सेकेंडरी ओसाइट को एक कवरिंग आ जाती है बेटा जिसको अपन बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या क्या याद रखेंगे, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, लेकिन उसके अंदर रहता है प्राइमरी ओसाइट, फिर वो कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल, तो जो उसके अंदर का प्राइमरी ओसाइट है उसका डिवीजन होता है मियोटिक डिवीजन,
एंड वो सेकेंडरी ओसाइड में कन्वर्ट होता है, एंड इसके बाद वो फाइनली कन्वर्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल में। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट है, एंड इसकी जो कवरिंग है इसको मैं बोलता हूँ बेटा जोना पेलोसिडा। ठीक है, चलिए, तो अब सेकेंडरी ओसाइट की सिचुएशन ही है। इसके बाद बेटा देखिए, तो इसको एक कवरिंग है, सेकेंडरी ओसाइट क्या है, एक छोटी सी कवरिंग है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जोना पेलोसिडा। ठीक है, सराउंडेड द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स एंड रिलीजेस सेकेंडरी ओसाइट, ओवम नहीं बोल सकते, सेकेंडरी ओसाइट ही बोलेंगे इसको बेटा। ठीक है, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओव्यूलेशन होता है बेटा। ठीक है, सो कैन यू आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है, बट बिफोर स्टार्टिंग एक मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ इसमें, कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये है ब्लड वेसल, इसमें से चूज होता है एक प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ये कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल, ये कन्वर्ट हो गया मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। इन सब में बेटा जो हार्मोन में निकलता है इनमें से उसको अपन बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन के बाद आपको पता है इसमें से होने वाला है ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन किस हार्मोन के अंडर होगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है इसमें से ओवम निकल चुका है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉर्पस ल्यूटियम में, एंड कॉर्पस ल्यूटियम में से सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन जो रिलीज होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। इतना याद रखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, देखिए ज़रा यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ग्रोइंग ऑफ फॉलिकल्स हो रहा है, इस वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, वहाँ से निकलता है ईस्ट्रोजन। ठीक है, LH जो आपको पता है बेटा, ये वाला जो एरिया है जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, तो ओव्यूलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ओव्यूलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है LH, एंड जब इसका ओव्यूलेशन हो चुका है तो अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम में से सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इस तरह से NCERT में भी एक चार्ट बना लीजिए बेटा, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, उसमें से ईस्ट्रोजन निकलता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, LH हार्मोन काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो निकलता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। ठीक है, ओके बेटा, चलिए, तो इतना समझ में आ गया है। अब इस चीज़ को भी देख लेता है बेटा जो आपके सामने आ चुका है। देखिए बहुत ईजी चीज़ है यहाँ पे, सबसे पहले तो ओगोनिया को देखते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा मदर ओगोनिया सेल्स जो होते हैं वो 20 लैक्स होते हैं। ठीक है, 20 लैक होते हैं, लेकिन इनमें माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है, फिर भी इनका डीजनरेशन होता है बेटा, एंड ये जो बचते हैं प्राइमरी ओसाइट वो 60 to 80K हो जाते हैं। ठीक है, 60 to 80 हज़ार हो जाते हैं। अब इस बच्ची का जन्म भी होने का है, ये फीटल लाइफ में है, अब इसका जन्म होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर अभी भी 46 है बेटा, अब इसका बर्थ होगा, इसमें चाइल्डहुड आएगा एंड इसमें प्यूबर्टी आएगा। जब प्यूबर्टी आती है बेटा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में प्यूबर्टी में इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। तो प्राइमरी ओसाइट का कन्वर्शन किस में हुआ, सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हुआ, एंड एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन गई। ये फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है बेटा, अब ये क्या बन गया है, ये सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट में क्रोमोसोम नंबर 46, इसमें कितना, क्रोमोसोम नंबर 23। ठीक है, लेकिन इसका जो सेकेंडरी ओसाइट है इसका फर्दर डिवीजन नहीं होता, क्योंकि ये एक फेज में लटकी रहती है बेटा। ठीक है, तो अब आपको पता है ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसका फर्दर डिवीजन अगर आपको करना है तो इसमें एंट्री करानी पड़ेगी स्पर्म की, एंड स्पर्म की एंट्री जब होगी तो स्पर्म का वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लेगा, एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लेने के बाद वो जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे ओवम बोला गया है बेटा, लेकिन वो जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, जो फर्स्ट डिवीजन इसका कंप्लीट हुआ मियोसिस वन, दैट इज ड्यू टू प्यूबर्टी FSH हार्मोन के अंडर में, एंड इसके बाद जो सेकेंडरी डिवीजन कंप्लीट हुआ है दैट इज ड्यू टू द प्रॉक्सिमल के सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो बहुत इजी चीज़ है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा स्पर्मेटोगोनियम है एट प्यूबर्टी, तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46 ही है, लेकिन मियोटिक डिवीजन होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होते हैं,
क्रोमोसोम हो जाता है 23। फिर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ जब कन्वर्ट होते हैं तो उसको क्या प्रोसेस बोला था बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। चलिए तो इतना अपने को पता चल चुका है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए बेटा तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी इम्पोर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। चलिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी देख लेते हैं बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स जो होते हैं बेटा, पता है आपको कि ये जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में मैमल्स आते हैं क्लास, एंड क्लास में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, तो इसका जो 16वां ऑर्डर था वो होते हैं बेटा प्राइमेट्स, एंड प्राइमेट्स में अपन आते हैं बेटा, ठीक है। तो प्राइमेट्स में मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं, तो मंकी, ह्यूमन एंड एप्स में की जो फीमेल्स होती है उनमें क्या आते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब पहली बार 12 से 13 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी में पहली बार मेंसेस आते हैं तो उसको बोलते हैं मिनार्च, एंड उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन होता है मेंसेस का, वो एवरेज ड्यूरेशन होता है बेटा 28 डेज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे को मेंसेस आते हैं, 14 डे को ओव्यूलेशन होता है, एंड 28-29 डेज को फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक 28-29 डेज का साइकिल होता है, अलग अलग फीमेल में अलग अलग टाइम हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद दिखाई दे रहा है बेटा कि इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मेंसुरेशन टिल इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बेटा। तो ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल, ठीक है। तो आपको पता है ओव्यूलेशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम जब रिलीज होता है ऑलमोस्ट ऑन मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 14वें दिन में, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ चुके हैं बेटा, तो इसमें अपने को तीन चार चीज़ें देखनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन्स आपको पता है बेटा FSH एंड LH है। उसके बाद ओवेरियन हार्मोन्स का क्या लेवल है, ओवेरियन में से, ओवरी में से आपको पता है बेटा प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन है, एंड ओवेरियन इवेंट्स क्या चल रहे हैं वो, एंड इसका इफेक्ट क्या आता है यूटेराइन वॉल पे, ठीक है बेटा, कि मेंसेस जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ होती है कि ग्लैंडुलर होती है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं बेटा कि सबसे पहले जो यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होगा वो होगा FSH। तो FSH आपको पता है बेटा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है या फॉलिकल डेवलपिंग हार्मोन है, तो इसके इन्फ्लुएंस में डेवलपिंग फॉलिकल्स आपको दिखाई देंगे, मैच्योर फॉलिकल्स तक हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे FSH का इन्फ्लुएंस रहेगा ठीक ठाक, एंड यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलप होगा इस टाइम पे। जो ओवरी में सबसे ज़्यादा हार्मोन ये फॉलिकल रिलीज करते हैं वो होता है ईस्ट्रोजन। तो इस टाइम पे जब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन क्या है, ईस्ट्रोजन का राइज होते रहेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद एक बार इसको मैं इस तरह से भी बता देता हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन क्या है, ईस्ट्रोजन। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से LH जो है यहाँ से निकलता है बेटा, तो यहाँ से LH नाम का हार्मोन है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, इसके बाद ये कन्वर्ट हो चुका है कॉर्पस ल्यूटियम में, एंड कॉर्पस ल्यूटियम के लिए सबसे वहाँ से क्या निकलता है हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा है, ईस्ट्रोजन। उसके बाद LH के टाइम पे, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन क्या है, LH, एंड लास्ट में जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन क्या है बेटा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इतना अपने को पता चल चुका है, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को अपन फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ओके। तो देखिए जब ये मैच्योर, ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ईस्ट्रोजन। इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन बहुत लो है, ठीक है बेटा, FSH भी ठीक ठाक है एंड LH भी ठीक ठाक है। लेकिन इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद होगा आपका ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है आपका LH। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो LH होगा, तो LH का ये देखिए बेटा, LH सर्ज जिसको बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा LH है। ऐसा नहीं है कि FSH नहीं है, FSH भी लगता है, ईस्ट्रोजन भी लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन क्या है, LH होता है ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। ये दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। इसके बाद अब जो FSH एंड LH एंड इवन ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन
जो ईस्ट्रो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन जो अब तक कम था, कॉर्पस ल्यूटियम में सबसे ज्यादा क्या रिलीज होता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन, तो अब अचानक से ये बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का एंडोमेट्रियम वॉल पे क्या असर होता है वो देखिए। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे क्या है कि जब डेवलपिंग फॉलिकल्स है, सबसे पहले तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिग्रेसिव। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होना चालू कर जाएगा, रिग्रेसिंग होगा, तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो फिर मेंसेस स्टार्ट होती है। ये जो मेंसेस है अगले महीने के 1, 2, 3 तारीख तक रहेगी, फिर नया फॉलिकल डेवलप होना चालू हो जाएगा बेटा। एंड जैसे ही फॉलिकल डेवलप होना चालू हो जाएगा तो ये फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं, देखिए फॉलिकल्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं ना, तो फॉलिकुलर फेज होगा। इसके बाद ये वाला जो फेज है 14 डे पे, इसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। एंड इसके बाद आपका डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम दिखाई दे रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में ये जो एंडोमेट्रियम की लाइन है, यूट्राइन वॉल है, ये बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर हो जाती है। वेरी क्लियर, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा सीक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो बहुत इजी डायग्राम है बेटा ये। ठीक है, तीन ही हार्मोन इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, ईस्ट्रोजन, LH एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन जब फॉलिकल्स डेवलप होते रहेंगे तब ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा निकलेगा, ओव्यूलेशन के लिए LH ज़रूरी है। एंड जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम में से क्या इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन P4P प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे बेटा, कभी कभी अल्टरनेट नाम ऑफ दिस इवेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज का अल्टरनेट नाम है बेटा प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज का जो अल्टरनेट नाम है वो सिक्रेटरी फेज है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए कि इनके अल्टरनेट नाम क्या है, कभी कभी ये पूछा जाता है। ओके, तो जो चीज़ अभी अभी देखे उसको पढ़ भी लेते हैं एक बार, क्या क्या बोल रहा है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल मेजर इवेंट्स आर फिगर 9.3.9, द स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज। तो आपको पता है सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हुआ, व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। ठीक है, तो इस यहाँ पे दिया हुआ है कि 28, 1, 29, 1, 2, 3, तो ये 4-5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रहा, 3 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइन। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइन थी जिसको अपन ने एंडोमेट्रियम बोला था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो जो अंदर वाली लेयर थी वो ब्लड वेसल के साथ शेड ऑफ हो जाती है एंड वजाइना से बाहर निकलती है, दैट कम्स आउट ऑफ वजाइना। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे हैं तो ये सजेस्ट हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं बेटा। हाउएवर इट कॉजेज सम अंडरलाइनिंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस। अब किसी को, किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, इसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल में अल्टरेशन हो सकता है। कभी कभी थायरॉयड हाइपर थायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी मेंस्ट्रुअल में अल्टरेशन होता है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से भी अल्टरेशन होता है। ठीक है, चलिए, द प्राइमरी फॉलिकल द ओवरी गेट्स बिकम मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट्स एंड थ्रू प्रोलिफरेशन। तो आपने अभी भी देखे बेटा कि जब ये ग्रेफिन मैच्योर फॉलिकल रहता है तो जो यूट्रस है वो भी थिक एंड रीजनरेट होने लगता है। ठीक है, दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस इंड्यूसेस चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो आपको पता है बेटा जो पिट्यूटरी हार्मोन है FSH एंड LH वो भी चेंज होते हैं, एंड जो ओवेरियन हार्मोन होते हैं दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनमें भी कमी ज़्यादा आती है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन देख चुके हैं बेटा। गोनेडोट्रोपिन्स FSH एंड LH ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिम्युलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है बेटा, तो FSH एंड LH की वजह से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, क्यों, क्योंकि ये फॉलिकल्स जब डेवलप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, तब ईस्ट्रोजन ही इनमें से रिलीज होता है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, इट इज़ द एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्रोफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, वहाँ से क्या रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, बोथ FSH एंड LH अटेन अ पीक एट द मिडल ऑफ 14 डे। ठीक है बेटा, तो LH एंड FSH का भी पीक होता है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH क्या होता है बेटा, LH सर्ज बोलते हैं जिसको, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है।
ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है एंड वहां से क्या निकलता है, ओवम निकलता है। मोर टेक्निकली करेक्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि सेकेंडरी ओसाइट निकल रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओविलेटरी फेज, इट इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, या इसको आप सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो चुका है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करने वाला है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करने वाला है आपका प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन पी फॉर प्रेगनेंसी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेनली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन विच इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम एंड दिस इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये एक ऐसा एनवायरमेंट बना रहे हैं कि जहाँ पे प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिल जाए। एंडोमेट्रियम की लाइन देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एंडोमेट्रियम की लाइन थिक रहेगी, ठीक है। ये यूट्रस है, यूट्रस की इनर मोस्ट लाइन है एंडोमेट्रियम, तो इसकी वॉल अगर थिक रहेगी तो यहाँ पे बच्चा आके इम्प्लांट करेगा, ठीक है, जाइगोट जो है इम्प्लांट करेगा एंड यहाँ पे बढ़ते रहेगा, तो ये बहुत सूटेबल होता है। और ये एंडोमेट्रियम की लाइन को थिक बनाने का काम कौन कर रहा है, इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक बनाने का काम कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन। तो पी फॉर पी, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता है बेटा कि 9 महीने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ भी नहीं चलती है, 9 महीने तक नो मेंसेस नो ब्लड, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इस तरह का येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा डायग्राम में, वो डीजनरेट कर जाता है। दिस कॉजेज डिस इंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंसुरेशन, ठीक है बेटा। तो इसकी वजह से फिर मेंसुरेशन होता है, मार्किंग अ न्यू साइकिल इन ह्यूमन बींग। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिएट्स अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि फीमेल्स में एट द एज ऑफ 45 to 50 तक मेंस्ट्रुअल आती है, जब वो मेंसेस रुक जाती है तो उसको क्या बोलता है बेटा, मीनोपॉज, ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेटिव ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंडिंग बिटवीन मीनार्च एंड मीनोपॉज। तो आपको पता है बेटा जब मेंसेस स्टार्ट हुए मीनार्च एंड जब रुक गई तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। इसके बीच में साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो नहीं होगा तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं होगी, ओके। चलिए तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को भी देख लेते हैं बेटा। जैसे कि आपको पता है कि कॉपुलेशन हुआ तो पेनिस से जो आपका स्पर्म है वो रिलीज होते हैं एंड वो वजाइना की तरफ जाते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड वो एम्पुला वाले रीजन तक पहुँचता है बेटा एंड एम्पुला स्थमरी जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एंड दैट कैन लीड टू प्रेगनेंसी अगर हुआ तो, एम्पुला स्थमरी जंक्शन पे होता है, क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे जो सेकेंड लेयर है ये जोना पेलुसिडा लेयर होती है ऑफ ओवम एंड इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन एंड दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो आपको पता है बेटा, आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लेयर्स है, कोरोना रेडिएटा थर्ड, उसके नीचे आते हैं बेटा जोना पेलुसिडा, उसके अंदर आती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और पेरिवाइटलाइन स्पेस, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है एंड ये टच करता है आउटर मोस्ट लेयर को, द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा को, तो वैसे ही बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजिंग कोन डेवलप हो जाता है ओवम की तरफ से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। एंड वहाँ से फिर एक कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन की वजह से स्पर्म की एंट्री होने लगती है टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड जैसे ये होता है बेटा तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का, ये अंदर चला जाता है। एंड जैसे ये अंदर चला जाता है तो इसकी वजह से एक फास्ट ब्लॉक हो जाता है बेटा, एंड जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो मोनोस्पर्मी को ये करता है, हेल्प करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फास्ट ब्लॉक की वजह से -70 mV का जो करंट है वो दौड़ने लगता है, तो टेम्पररी ब्लॉक करता है मल्टीपल स्पर्म को। इसके बाद यहाँ उसी के नीचे बेटा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं बेटा, एंड ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं ये कॉर्टिकल एंजाइम को रिलीज करते हैं। जैसे ये कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज हुए तो ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है इसको वो हार्ड करना चालू कर देते हैं, एंड इसकी वजह से डीपोलराइजेशन की वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो जोना पेलुसिडा हार्ड है हो चुका है, जिसकी वजह से मल्टीपल स्पर्म की जो एंट्री है वो रुक चुकी है, ठीक है बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसमें कैल्शियम आयंस
भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम आयन भी आपके जो सीमेन वाला एरिया है वहाँ से ही लेके आता है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये सारी चीज़ें। इसके बाद चलिए बैक टू एनसीईआरटी आता है बेटा, डज द इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म, ठीक है बेटा। तो ये आपको पता है यहाँ पे दो रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले आप ऐसे बोल सकते हो बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है वो फास्ट ब्लॉक करता है, डिपोलराइजेशन करता है। कॉर्टिकल रिएक्शन परमानेंटली ब्लॉक करता है द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, ठीक है। इसको आप स्लो ब्लॉक भी बोल सकते हो कॉर्टिकल रिएक्शन को, ठीक है। स्पर्म एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू जर्नोपिलिसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, देन सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज एन इक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन सेकेंडरी पोलर बॉडी। आपका ऑलरेडी बताया था बेटा ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है ये डीजनरेट होने वाली है, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, ओवम बन जाएगा, ठीक है। एंड द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट, ठीक है। तो 23 क्रोमोजोम्स ऑफ फीमेल एंड 23 क्रोमोजोम्स ऑफ स्पर्म एंड 23 क्रोमोजोम्स ऑफ ओवम, ये दोनों मिला के क्या हो गए, एक जायगोट फॉर्म करेंगे 46 वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली जो यहाँ पे चीज़ है बेटा, ये देखिए कितना ईजी है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर मेल है ना सन पैदा होना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, फीमेल से आना चाहिए एक्स एंड मेल से आना चाहिए वाई, ठीक है बेटा। एंड अगर फीमेल चाहिए डॉटर तो दोनों की तरफ से भी एक्स एंड एक्स आना चाहिए। तो इसके 50-50% चांसेस होते हैं बेटा, ये कुछ भी नहीं है, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, बहुत ईजी चीज़ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ जो है बेटा इसको देखते हैं, जो आपको दिखाई दे रही है, दैट इज अ मियोटिक डिवीजन स्टार्ट व्हेन द जाइगोट मूव्स थ्रू स्थमस एंड ओविडक्ट, इट इज कॉल्ड क्लीवेज। तो आपको पता है बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे आपके सामने आ चुका है कि ये जो जाइगोट है, जाइगोट में 30 घंटे के बाद, 30 आवर्स के बाद ये ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट हो चुका है, टू सेल स्टेज। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, टू सेल स्टेज में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, ठीक है। इसमें लेकिन आपको पता है कि साइटोप्लाज्मिक रेशो बढ़ता नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो ही बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होने वाला है बेटा, ये कन्वर्ट होने वाला है 4 सेल स्टेज, ठीक है। इसके बाद ये कन्वर्ट होने वाला है 8 सेल स्टेज। जब ये 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है, 8 to 16 सेल स्टेज को बोलता है बेटा मोरूला, ठीक है। जो 32 सेल स्टेज होता है इसको बोलते हैं बेटा लेट मोरूला, एंड जब वो 64 सेल स्टेज हो जाता है उसको अपन बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट। एंड ये जो 64 सेल स्टेज होता है यही जाके क्या करता है, आप ऐसे बोल सकते हो इम्प्लांट होने वाला है ऑन द 7th डे इन द यूट्रस वॉल, ठीक है। तो इसका आप डायग्राम भी देख पा रहे हैं बेटा नीचे में, देखिए ये जो है, देखिए ये क्लीवेज हो रहा है प्रॉपरली, ओके। तो ये हो गया, ये इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। देखिए सबसे पहले ओवम रिलीज हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ है बेटा। तो ये ओवम इस वाले रीजन में आ गया, एम्पुलर एस्टेमरी जंक्शन में। अब यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होके इसका फर्स्ट डिवीजन हो गया, 2 सेल स्टेज हो गया ये वाला, ठीक है बेटा। इसके बाद ये 4 सेल स्टेज हो गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद 8 सेल स्टेज हो गया बेटा मोरूला, फिर 16 सेल स्टेज हो गया वो भी मोरूला ही है, फिर 32 सेल स्टेज है इसको आप लेट मोरूला बोल सकते हो, एंड इसके बाद 64 सेल स्टेज है इसको अपन बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट। एंड ये 64 सेल स्टेज जो है ये इम्प्लांट हो जाता है, एंड इसके बाद इसका क्या चालू हो जाता है, इसके बाद इसका चालू हो जाता है गैस्ट्रुलेशन, एंड इसके बाद फर्दर इसका एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी चीज़ है, देख चुके हैं अपन इसको, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा कि ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला, ठीक है। तो मोरूला कंटिन्यूस टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो 32 सेल स्टेज को बोलते हैं लेट मोरूला, एंड 64 सेल स्टेज को बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट। एंड ये ब्लास्टोसिस्ट ही है जो 7th डे पे जाके इम्प्लांट होने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें से जो ब्लास्टोमियर होते इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज, तो ये जो ब्लास्टोमियर है आपको बताया बेटा ये सेल लेयर्स होती है ब्लास्टोमियर, ठीक है बेटा। तो ये ब्लास्टोमियर जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं
आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, एंड इनर जो लेयर होती है बेटा ये इनर सेल मास में कन्वर्ट होती है, इनर सेल ऑफ ग्रुप। तो आपको एक डायग्राम आ चुका है आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये जो इनर सेल मास है ये फ्यूचर में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने वाला है, एंड ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है बेटा ये अटैचमेंट में हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इन टू एम्ब्रियो, ठीक है बेटा। तो ये इनर सेल मास एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एंड ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल देता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इमेजिन कर लीजिए ये कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये जो है ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, एंड इसके अंदर इनर सेल मास होता है जो ग्रीन कलर से बनाया है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये जाके आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो यूटेराइन वॉल है इस यूटेराइन वॉल में चिपक जाएगा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, एंड ये जो इनर सेल मास है ये वाले जो सेल है ये छोटू से बेबी में कन्वर्ट होने वाले हैं, मतलब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो इस तरह से इनका डिफरेंशिएशन होता है बेटा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, राइट। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल गेट मास डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट द यूटराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली टू कवर द ब्लास्टोसिस्ट। तो आपको पता है ये पूरे के पूरे जो यूटराइन वॉल है ये ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से कवर कर लेंगे, एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है पूरा एम्बेडेड हो जाएगा इनटू यूटरस। तो ये पूरी तरह से अब इम्प्लांटेशन हो चुका है बेटा, एंड जिसकी वजह से इंटर डिजिटेशन की वजह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो इसके बाद बेटा आपको पता है कि एम्ब्रियोनिक जो वॉल्स होती है, ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, वो डेवलप होना चालू हो जाती है। तो आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं कोरियोन, कोरियोन के अंदर होता है बेटा एमनियन, एमनियन के बाजू में होता है एलेंटॉइज, एंड उसके पास होता है बेटा योक सैक। तो इस तरह से ये चार जो होती है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है बेटा, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी के बाहर की एक इन्फॉर्मेशन है बेटा, सेल्स ऑफ रॉबर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो कन्वर्ट होते हैं, लाइक जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, एंड जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो इनर सेल मास मतलब एम्ब्रियो से कनेक्टेड होते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन होता है ना, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं बेटा सेल्स ऑफ रॉबर, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप ऐसे बोल सकते हो ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास के बीच में एक कनेक्शन होता है, ये सेल्स का कनेक्शन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा सेल्स ऑफ रॉबर, ठीक है। एक चीज और एक्स्ट्रा में है बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन है, जायगोट का इम्प्लांटेशन है, वो यूट्रस में होना चाहिए, यूट्रस में समवेयर ओवर हियर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए। लेकिन अगर गलती से इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में हो गया, तो अगर इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस अदर देन द एक्चुअल साइट, अदर देन यूट्रस, तो उस प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड इसमें एक मेडिकल इमरजेंसी है, उस इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को फटाक से रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लेते हैं अपन, क्या क्या चीज़ें बोला गया है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर इन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिकुला। तो आपको पता है बेटा इस तरह से इंटर डिजिटेशन होता है, ठीक है, मदर साइड से एंड फीटस साइड से। सो इंटर डिजिटेशन की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा से एम्बेलिकल कॉर्ड निकलता है, एंड ये एम्बेलिकल कॉर्ड बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, एंड ये पूरा यूट्रस से जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही पूरे बॉडी का जो न्यूट्रिशन है एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को पहुंचता है, मतलब ये एक ऑर्गन है जिसको किन दोनों ने बनाया है, आधा हिस्सा आप ऐसे बोल सकते हो इसका किसने बनाया है, मदर ने बनाया है, आधा हिस्सा इसका बेबी ने बनाया। तो ये इट इज एन ऑर्गन फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे चलता है, इसको इन्होंने क्या बनाया बेटा कोरियोनिक विलाय बनाया है, एंड इट इज सराउंडेड बाय मैटरनल टिश्यूज, ठीक है। तो कोरियोनिक विलाय यूटराइन टिश्यू बिकम्स इंटर डिजिटेशन, मतलब इंटर डिजिटेशन होता है इसका, ठीक है, ये मदर वाला पार्ट है, ये बच्चे वाला पार्ट है बेटा, ठीक है। एंड इट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको फीटल प्लेसेंटा एंड मैटरनल प्लेसेंटा का भी हिस्सा होता है इसमें थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
चलिए, इसके बाद द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। तो प्लेसेंटा क्या क्या काम करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बेबी को, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो एम्ब्रियो में प्रोड्यूस होते हैं उसको भी निकालने का काम ये प्लेसेंटा ही करने वाला है। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है बेटा कि प्लेसेंटा बहुत सारे एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करने वाला है, जैसे कि HCG, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होती है ना, इस तरह की आपको एक किट मिल जाती है एंड इस किट में जो है छोटा सा एक छेद होता है एंड ये इस तरह से ये होता है एंड इसके ऊपर दो रेड लाइंस आ गई, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे यूरिन के ड्रॉप डालने पड़ते हैं फीमेल के। आपको पता है कि फीमेल के यूरिन में HCG नाम का हार्मोन आता है, तो प्लेसेंटा मेनली ये बनाता है बेटा HCG नाम का हार्मोन। तो अगर ये ब्लड में रिलीज कर रहा है प्लेसेंटा, तो उसके यूरिन में कहाँ से आया? तो आपको पता है बेटा कि जो फीमेल है इनमें जो ये ब्लड है प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जाता है? यूरिन की किडनी के पास जाता है एंड किडनी में थोड़ा ट्रेस अमाउंट में HCG रिलीज होता है एंड जिसको अपन उनकी यूरिन से पता कर सकते हैं। तो HCG इज द इंडिकेटिव दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है, चलिए। उसके बाद ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तो ये आपको मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ईस्ट्रोजन भी निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, अभी तक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कौन निकाल रहा था? आपका ओवरी निकाल रहा था बेटा। ठीक है, लेकिन अब ये टेम्पररी जिम्मेदारी जो है थोड़ा हेल्प इसमें कौन कर रहा है? प्लेसेंटा भी कर रहा है। इसके अलावा रिलैक्सिन नाम का जो हार्मोन है, तो आपको पता है रिलैक्सिन भी ओवरी इज अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय ओवरी, थी ओवरी भी इसको निकालती है बेटा एंड उसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पेल्विक गर्डल वाला एरिया है एंड वहाँ के मसल्स जो होते हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है एंड बर्थ कैनाल को थोड़ा सा रिलैक्स करता है ताकि बेबी बहुत अच्छे से बाहर निकल पाए। ठीक है, तो HCG HPL रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। ठीक है बेटा, तो दीज आर द हॉर्मोन्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉर्टिसोल प्रोलैक्टिन थायरोक्सिन ETC आर इंक्रीज इन फोल्ड ऑफ मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज असेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ। तो ये सारे हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ये जो फीटल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमीजिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये वाला जो है ये प्लेसेंटा विलाय है। ठीक है, ये कैविटी ऑफ यूट्रस है पूरी की पूरी, इसके आजू बाजू में एम्बिलिकल कॉर्ड है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये बच्चा एम्ब्रियो है। इसके बाजू में योक सैक है, इसके बाजू में कोरियन होता है, फिर एलेंटॉइज भी होता है यहाँ पे एंड ये एमनियोनिक फ्लूइड में ये प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा में है बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ टेराटोजेंस। तो बहुत सारी फीमेल्स में आप ऐसे बोल सकते हो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर कुछ भलते ही केमिकल्स वगैरह खा लिया, अल्कोहल पी ली उसने, तो उसके बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होता है बेटा इनको बोला जाता है टेराटोजेंस। इसमें थिलियोडेमाइड, ठीक है, एस इनहिबिटर्स, कोकेन, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आती है बेटा। ठीक है, मर्क्यूरी वगैरह ये सब आता है बेटा। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा विच आर द हॉर्मोन्स विच आर वेरी स्पेसिफिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको पता है बेटा HCG HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीन हॉर्मोन ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी में सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। इसके बाद बोल रहा है कि इनटू आउटर लेयर एक्टोडर्म। तो आपको पता है बेटा तीन लेयर्स होती है, आउटर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, मिडल इज कॉल्ड मिजोडर्म एंड अंदर वाली जो होता है बेटा एंडोडर्म होता है। तो आपको पता है इसके अलावा स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन पूरे के पूरे बच्चे के ऑर्गन्स को भी बना सकते हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में ही प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने एक चार्ट आ चुका है बेटा जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है द फर्स्ट वीक में क्या हो रहा है कि क्लीवेज हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, सेवेंथ डे पे इम्प्लांटेशन हो रहा है बेटा,
उसके बाद सेकेंड वीक में गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, मीजोडर्म एक्टोडर्म एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड वीक में बैकबोन बन रही है। फोर्थ वीक है हार्ट ब्लड वेसल एम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद फिफ्थ वीक में जो आपके ब्रेन ग्रोथ है वो हो रही है। उसके बाद हार्ट पंप करना चालू कर रहा है, विगरस पंपिंग स्टेथोस्कोप से हो रहा है। वीक सिक्स में ये सारी चीज़ें हो रही है, जैसे आइज एंड ईयर्स का फॉर्मेशन है बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं कि डॉग्स एंड एलिफेंट एंड कैट इसमें दिखे। तो फर्स्ट साइन ऑफ फीटस इज नोटिस लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली, ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए बेटा कि फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद लिम्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं बेटा एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 12 वीक मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, जैसे उसके लिम्स हाथ और पैर, एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन्स एज वेल एज ये डेवलप हो चुके हैं। इसके बाद अपेयरेंस ऑफ हेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एमसीक्यू आता है बेटा कि हेयर का फॉर्मेशन कब होता है। तो यहाँ पे बोला गया है बेटा हेयर का फॉर्मेशन फिफ्थ मंथ में हो जाता है। हेयर का फॉर्मेशन, आईलैश का फॉर्मेशन, फिंगरप्रिंट का फॉर्मेशन, नेल का फॉर्मेशन, ग्रिप का पावर आ जाना, ये फिफ्थ मंथ में हो जाता है बेटा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 24th वीक, तो आपको पता है बेटा कि उसकी आईलिड ओपन होती है, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, फाइन हेयर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, आईलिड हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी टू लेबर। ठीक है, तो 28 वीक में आपको पता है फास्ट मूविंग फीटस होता है, वो आवाज़ सुनता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रिंक करता है, जैसे कि आपको बाजू में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। जो फर्स्ट पॉटी होती है फीटस की, उसको बोलते हैं बेटा मीकोनियम। यानी मीकोनियम जो होती है ये बहुत ज़्यादा ग्रीनिश कलर की मिल जाती है आपको, क्योंकि इसमें एम्बिलिकल कॉर्ड एंड लीवर के बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है बेटा आपको, पार्चुरेशन पे आ चुके हैं अपन। ठीक है, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, लैक्टेशन मतलब उसको जो फीडिंग करते हैं उस चीज़ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो एवरेज ड्यूरेशन प्रेगनेंसी आपको पता है, इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, 270 दिन या 9 महीने आप बोल सकते हैं बेटा। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे एक्सपर्जन ऑफ फीटस होता है, जिसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, या डिलीवरी बोल सकते हैं आप इसको। पार्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। ठीक है, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम भी काम करता है बेटा, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है। एंड सबसे पहले तो सिग्नल इज सेंड बाय ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप फीटस। तो पहली बात यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले बेबी फुल्ली तरह से डेवलप हो चुका है एंड वो सिग्नल भेजता है किसको, वो सिग्नल भेजता है बेटा हाइपोथैलेमस को, एंड वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का सिग्नल देता है। एंड जैसे ही ये सिग्नल जाता है बेटा हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज कराता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। एंड ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्गर विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि जो मिडल लेयर होती है बेटा स्मूथ मसल की, मायोमेट्रियम, ऑक्सीटोसिन उसके ऊपर काम कराता है एंड उसके थ्रू विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है। एंड इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और सिग्नल जाता है वापस से हाइपोथैलेमस को, एंड इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। एंड ऐसे कंटिन्यूसली होते होते स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं, लीडिंग टू कि बर्थ कैनाल थोड़ी और ज़्यादा ओपन हो जाती है एंड बेबी का डिलीवरी हो जाती है। वेरी क्लियर बेटा? तो इस तरह से, लेकिन इनिशिएट किसने किया है उसको, इनिशिएट इसको करने वाला है फीटस। फीटस ने उसको इनिशिएट किया, उसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ एंड इसके बाद कंटिन्यूसली उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते गए। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क का इजेक्शन भी करता है, मिल्क इजेक्शन एंड बच्चा इजेक्शन, क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये जो है जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है मायोमेट्रियम, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है यूट्रस वॉल को। ठीक है, इसके बाद द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टार्ट मिल्क टूवर्ड्स द प्रेगनेंसी बाय द प्रोटेक्शन ऑफ लैक्टेशन। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से आपको पता है मिल्क प्रोडक्शन को काम तो करेगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा, लेकिन मिल्क इजेक्शन या मिल्क सिक्रीशन का काम करता है बेटा ऑक्सीटोसिन।
ठीक है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन काम करता है ये, ठीक है। चलिए, एंड फीडिंग द न्यू वर्न। अच्छा, आपको पता है बेटा कि ये जो पहला पहले 6 महीने तक मदर को बेबी को सिर्फ माँ का गाढ़ा दूध ही देना पड़ता है, क्योंकि उसमें होता है कोलेस्ट्रम, येलो कलर कोलेस्ट्रम होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती है, स्पेशली IgA, ठीक है। एंड IgA की वजह से उसको इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है बेटा, ठीक है। एंड असेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, एंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी फॉर द बेबी, ठीक है बेटा। तो कुछ इवेंट्स होते हैं बेटा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिल्क ऑफ ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन मिल्क में आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है। इसके अलावा जेस्टेशन पीरियड भी आप देख पा रहे हैं, डॉग का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, डॉग का जो जेस्टेशन पीरियड है बेटा, दैट इज 60 to 63 days। इसके अलावा ह्यूमंस का होता है, मैन का ह्यूमंस का होता है बेटा 27 to 80 days। काउ का भी इतना ही होता है बेटा ऑलमोस्ट, ठीक है। सबसे जो लंबा होता है जेस्टेशन पीरियड होता है सलामेंड्रा एंट्रा। ये सलामेंडर की एक जाति है बेटा, 1146 days होता है इसका जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। वेल का 365 days होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट का 624 to 641 days होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 22 months आप इसको बोल सकते हो। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जितना NCERT में है बेटा उतना तो अपन ने कवर कर लिए है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ।